मुरादाबाद में दुर्गा महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा के महापूजन संघ महाआरती का आयोजन हुआ। पूजन के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। महाआरती में सर्वप्रथम मां दुर्गा की पुण्य आरती का गान हुआ और इसके बाद चुनरी नृत्य का आयोजन भी हुआ। चार दिनों तक चलने वाली मां दुर्गा की महापूजन में पंडाल की सुंदरता देखने को बनती थी। पूजा प्रायः 85 साल से 85 ईयर्स से कर रहे हैं इसी जगह पे रेलवे मनोरंजन सदन में, और ये पूजा हमारी सबसे पुरानी पूजा है। और हम आज महाअष्टमी का आरती का आयोजन कर रहे हैं, इस टाइम आयोजन चल रहा है और महाआरती का ये बहुत ही ज़्यादा महत्व है क्योंकि इसको भगवान राम ने पूजा था। भगवान राम ने जब रावण का वध हुआ था उससे पहले माँ की स्तुति की थी, जिसे संधि पूजा के नाम से जाना जाता है। और संधि पूजा के बाद ही ये महाआरती का प्रोग्राम है, और महाआरती के बाद कुछ कल्चरल प्रोग्राम होगा, सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे। इसी तरीके से हम माँ के इस पर्व को मनाते हैं, और हम सभी जनों के लिए ये कहते हैं कि ये पूरे मुरादाबाद वासियों को आमंत्रण करते हैं कि इस पर्व में हमारे साथ जुड़ें और हमारे सहयोग के साथ और इस कार्यक्रम को सुहावना बनाएं। क्या खास आ जाता है? खास यही है, यही बताया जाता है कि जैसे आरती का है, मेन तो महाआरती का प्रोग्राम है, और ये महाआरती का भी इसीलिए महत्व है क्योंकि ये भगवान राम ने माँ की स्तुति की थी। भगवान राम ने रावण के वध करने से पहले माँ की स्तुति की थी, और उन्होंने 108 कमल के फूल से माँ की ये स्तुति की थी। और जब माँ ने इसको पूर्ण रूप से उनको वो दिया, आशीर्वाद दिया, तभी वो भगवान राम इसको पूर्ण कर सके अपने युद्ध को। आज के दिन का बहुत महत्व है क्योंकि माँ अपने घर आई हैं, अपने मैके आई हैं, और मैके में वो सेलिब्रेट करती हैं, और ये हम लोग खुशियाली मनाते हैं। हम इसमें उपवास के साथ साथ खुशियों का त्यौहार मनाया जाता है। हम उनको बहुत सहयोग मानते हैं, इसका बड़ा हमारा भाग्य है कि माँ को हम लोग अपने घर में पाके उसका संयोजन पूरा करते हैं। आपको बता दें कि महापूजन में दुर्गा अष्टमी का बहुत महत्व माना जाता है क्योंकि आज ही के दिन जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तो उन्होंने मां शक्ति की आराधना 108 कमलों और दियों के साथ की थी, जिससे उनको विजय की प्राप्ति हो। इस दिन निर्जला व्रत रखकर महापूजन में भाग लिया जाता है।